Everybody sing that shit. What is up, everyone? This is me, Mukesh, and welcome guys back to Mukesh Network. And we are here with Sidhu Moosewala, Brit Asia TV Music Awards 2019 का एक और परफॉर्मेंस के साथ हम वापस आ चुके हैं ईस्ट साइड फ्लो. अगर आपको पता नहीं, ईस्ट साइड फ्लो एक ट्रैक है सिद्धू मूसेवाला पाजी का, और उस ट्रैक को हमने रिएक्ट किया है. आई बटन में आपको रिएक्शन मिल जाएगा. वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स है जिसमें मैं बहुत ही ज़्यादा वाइब करता हूँ, और ईस्ट साइड फ्लो मुझे काफ़ी पसंद है. आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं. बट ये है परफॉर्मेंस, लाइव परफॉर्मेंस, ब्रिट एशिया टीवी म्यूजिक अवार्ड 2019. इसके और भी काफ़ी सारे सेगमेंट्स है. 47 का ट्रैक है, और भी काफ़ी सारे ट्रैक है जो हमने चेकआउट कर दिए हैं, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं. बट राइट नाउ ब्रिट एशिया टीवी म्यूजिक अवार्ड 2019 सिद्धू मूसेवाला परफॉर्म्स ईस्ट साइड फ्लो. लेट्स गो मैन, लेट्स गेट इट. 2021 को जो है उसको धमाकेदार तरीके से यानी सिद्धू मूसेवाला के साथ खत्म करेंगे. लेट्स गेट इट. ओ दलदानी मडर तेरा राम बॉयज लव यू दलदानी मडर मैन सिद्धू मूसेवाला. अम्मा अम्मा आओ सिखिया टीटा को किताबा मित्र पड़े यानी तेरे का यो कासी पहाड़ा नाल लड़े यानी कमा सिखरी केड़ी थायु ते आ खड़े आ जो खिच दे लता कहंदे साडे सिरो चढ़े यान बॉटम तो कम लहू टोल के तिहारी कीती अपने आखई मेरे ना बैडिया तुम्हारी कीती मुड़े सीन मोशी पर खिच के मैं खड़ी कीती छटे सब दोवे ते पाड़ा नाल यानी बैगी पंजा दे ताल हुण पिट हमने कभी ऐसे बात नहीं की है अबाउट द लुक्स ऑफ सिद्धू मूसेवाला. कितने हैंडसम है और किस लेवल के, किस डिग्री के वो हैंडसम है सिद्धू मूसेवाला. यू नो, उनके आप अटायर देखो, वो जो सूट पहने हैं, वो जो स्कार्फ मफलर है या फिर स्कार्फ है, जो भी आप बोल सकते हो, वो उनके गले के अराउंड है, और एकदम मतलब किंग, सिंग इज किंग. ये है सिंग इज किंग. अगर सिंग इज किंग को विजुअलाइज कर रहे हैं, सो दिस इज इट. यू नो, सिद्धू मूसेवाला एकदम ईज के साथ अपने आउटफिट को कैरी करते हैं. एक उसमें पता चलता है कि उनको उनका कितना बड़ा ऑरा है. यू नो, उनका ऑरा जो है वो कितना बड़ा है, इससे पता चलता है कि वो बहुत ही ईजिली कैरी करते हैं. बहुत ही स्वीट स्माइल है उनका, मूछे तो लाजवाब है, और यू नो जो कलर कॉम्बिनेशन है, जो भी स्टाइलिस्ट है सिद्धू मूसेवाला के, उनको तो मतलब बहुत ज़्यादा क्रेडिट देता हूँ मैं, क्योंकि ये मतलब टेरिफिक दिखते हैं. बहुत ही अमेजिंग दिखते हैं, हैंडसम दिखते हैं, स्वीट दिखते हैं, इनोसेंट दिखते हैं, लेकिन साथ ही में गैंगस्टर वाला वाइब भी देते हैं. सो यू नो, शाउट आउट टू द स्टाइलिस्ट, बहुत अमेजिंग. करे बैठे मारी यारी
नो एंडिंग में वो बहुत अच्छा एंडिंग होने वाला था, लेकिन एनीवेज जो मैं बोलता हूँ कि सिद्धू मूसेवाला यू नो एक बात समझ लीजिए, जो लाइव परफॉर्मेंस है और जो बूथ में जो स्टूडियो में ओरिजिनली जो रिकॉर्ड होता है जहाँ पे गाना बूथ में और स्टेज पे लाइव परफॉर्मेंस पे वो फ़र्क दिखता है, यू नो फ़र्क आपको लगता है कि वहाँ पे आपको बहुत सारा जो यू नो मास्टर मिक्स मास्टर करके वहाँ पे वॉइस आपको एंड रिजल्ट सुनने को मिलता है, जहाँ पे आप लाइव अगर सुनोगे किसी को तो आप लोगों के नहीं यार स्टूडियो वाला गाना वॉइस तो लग ही नहीं रहा है। आप ये भी बोल सकते हो कि कई कई के सिंगर जो है जो वोकलिस्ट होते हैं उनके आवाज़ एकदम सेम टू सेम लगते हैं, क्योंकि उनके आवाज़ पर ज़्यादा काम करना नहीं पड़ता, वो उतने ट्रेंड होते हैं। सिद्धू मूसेवाला भी उतने ट्रेंड है। आप अगर अभी सिद्धू मूसेवाला को, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला गा रहे ऊपर से बैकग्राउंड में भी वो गाना चल रहा है, तो आप अच्छे से सिद्धू मूसेवाला की आवाज़ नहीं सुन पा रहे हो, लेकिन मैंने खाली सिद्धू मूसेवाला की आवाज़ सुना है और वो काफ़ी अच्छा गाते हैं, काफ़ी अच्छी तालीम है उनकी, यू नो काफ़ी अच्छा कंट्रोल है उनका अपने वॉइस पर और वो काफ़ी अच्छा गाते, काफ़ी हद तक वो उस लेवल को मैच करते जो स्टूडियो में रिकॉर्ड होकर हमें एंड रिजल्ट सुनने को मिलता है। रही बात लाइव परफॉर्मेंस में जो सांस फूलने की, तो ऑब्वियसली ये परफॉर्म है, ये परफॉर्मर है, सिद्धू मूसेवाला इज़ अ परफॉर्मर। अगर वो वोकलिस्ट होते, अगर वो सिंगर होते, मतलब नॉर्मल वो परफॉर्मर नहीं होते, तो एक जगह पर बैठते माइक लगाते और वो गाते, बैकग्राउंड में कुछ गाना नहीं चलता वो गा लेते, बट यहाँ पे वो हाइप अप कर रहे हैं लोगों को, परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे जस्टिन बीबर भी करते हैं। जस्टिन बीबर को आपने देखा होगा कि वो हाई रेंज पे नहीं जाते, जो नॉर्मल गाने जहाँ पे वो हाई रेंज पे जाते हैं वो लाइव परफॉर्मेंस में हाई रेंज पे नहीं जाते, वो अपने आवाज़ को बचा के रखते हैं क्योंकि उनके पास उतना एनर्जी नहीं होता, यू नो जो हाई रेंज पे जाए, अगर वो जाएंगे ज़बरदस्ती तो वो लूज़ करेंगे, यू नो तो इसीलिए परफॉर्मर्स जो होते हैं वो सोचते हैं कि कहाँ पे मैं क्या सुर लगाऊँ, कहाँ पे मुझे छोड़ना चाहिए, कहाँ पे नहीं छोड़ना चाहिए, बैकग्राउंड पे गाना चल रहा है, सो आई डोंट हैव टू पैनिक और मैं आराम से लोगों को यू नो एन्जॉय करा सकता हूँ, लोगों को उनका अच्छा टाइम जो है यहाँ पे जो आए हैं लाइव परफॉर्मेंस देखने उनको उनका पैसा वसूल करा सकता हूँ बाय यू नो चिलिंग आउट विद दैम, बाय चिलिंग आउट विद दैम। वो आए हैं सिद्धू मूसेवाला को देखने, वो आए हैं सिद्धू मूसेवाला को यू नो परफॉर्म करते देखने, और वो सिद्धू मूसेवाला वो कर रहे हैं, वो परफॉर्म कर रहे हैं, यू नो वो गा भी रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट लाइन्स है वो गा भी रहे हैं, वो लिपसिंग भी कर रहे हैं और वो इंटरेक्ट भी कर रहे हैं ऑडियंस के साथ, यू नो और वही चाहिए एक परफॉर्मर में कि आप जुड़ के रहे ऑडियंस के साथ। एंड दिस इज इट मैन, ब्रिट एशिया टीवी म्यूजिक अवार्ड 2019 सिद्धू मूसेवाला परफॉर्म्स ई साइड फ्लो। मैंने जो बोला था ये गाना मुझे सुपर्ब लगता है, लिरिक्स काफ़ी ताकड़ लिरिक्स है इसके, और आप जाके देख सकते हो, आई बटन में मैं दे दूंगा गाना एंड आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ओरिजिनल जो गाना है उस पर मैंने रिएक्शन किया हुआ है, सो आप जाके देख सकते हो। एंड टीवी म्यूजिक अवार्ड्स मुझे लगता है कि इसके और भी सेगमेंट्स होंगे, और भी गाने हैं जिस पर परफॉर्म डेफिनेटली किए होंगे सिद्धू मूसेवाला, वो सारे ढूंढ के मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। But this is it for this one, and agar aapko ye pasand aaya please give it a like and subscribe to our channel. I'll be posting regular contents in the next video. Until then, bye bye.